हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस के टेक्निकल खड़का जी। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ आज गूगल प्ले स्टोर के बारे में कुछ खास बातें। तो जैसे दोस्तों कि मैंने गूगल प्ले स्टोर खोला, आपने देखा होगा। तो दोस्तों, आप इस चीज़ में मत जाइए कि जैसे कि आपको यहाँ दिखा होगा कि मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ, ये गेम आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ तो आप ये गेम देख रहे होंगे, यहाँ पर 91 MB का दिख रहा है। तो ये 91 MB का नहीं है दोस्तों, ये 1.5 GB का गेम है। तो कई बार गूगल प्ले स्टोर ये गेमों की फाइलों को शो अप नहीं करता है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये 91 MB का गेम है, मगर एक्चुअली ये 1.5 GB, 1.5 से 2 GB का गेम है। तो आप इसको डाउनलोड करने के बाद भी इसे आपकी फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, तभी जाके गेम आपके फ़ोन में रन करेगा। तो आपको मैं ऐसे ही गेमों और के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं आपको ये पैस गेम दिखा रहा हूँ, जो सोकर ये अभी एक्चुअली सही वो शो अप कर रहा है कि जैसे कि 1.5 GB। तो 1.5 GB की फाइल ये जो शो अप कर रहा है, तो शो कई बार ऐसा होता है कि हमें गेम हमने गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड कर दिया और हमारे मोबाइल में जगह नहीं है, तो वो गेम अच्छी तरह से रन नहीं करता है और जो हमारे MB भी होते हैं वो भी वेस्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो बड़े बड़े गेम है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये 584 MB का गेम है, तो ये आपको गूगल प्ले स्टोर में अच्छी तरह से इंस्टॉल भी हो जाएगा और रन भी करेगा। मगर जो ये 1 GB से ऊपर के गेम होते हैं दोस्तों, ये कभी कभी दिक्कत करते हैं सेटों में। तो कई सेट जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं और उनमें ये रन नहीं करते हैं, और आपका डाटा भी वेस्ट जाता है और गेम भी इंस्टॉल नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों, कोई भी गेम डाउनलोड करने से पहले एक बार उसके बारे में डिटेल देख लें कि कितने बड़े MB का गेम है। आप YouTube में देख लें, जैसे कि इसके बारे में पता कर लें। जैसे अगर गूगल आपको दिखा रहा है कि छोटे छोटे गेम जैसे कि 350 MB का ये गेम है, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये 350 MB का ही गेम होगा। मगर जो 1.5 GB के गेम होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं दोस्तों, और वो अच्छी तरह से कभी कभी फ़ोनों में रन नहीं करते हैं और कभी कभी तो इंस्टॉल भी नहीं होते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, पहले गेम के बारे में कितने MB का गेम है। तो अच्छा दोस्तों, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूँगा। तो दोस्तों, प्लीज़ संभल के, और आप ये गेम थर्ड पार्टी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी कई थर्ड पार्टी ऐप है जिनमें से जहाँ से आप ये आसानी से प्ले करेंगे और आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं वो एक्चुअली हमारे अलग से हैं। तो जैसे कि थर्ड पार्टी ऐप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थर्ड पार्टी ऐप है जैसे ऐप टॉय। ऐप टॉय में भी आपको दोस्तों गेम देखने को मिल जाएगा और अच्छी तरह से आप उसमें गेम भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें बड़े गेम प्ले कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐप टॉय में अच्छे से गेम है, देखिए। तो जैसे कि इसमें सोनिक, जैसे कि दोस्तों थर्ड पार्टी ऐप ये भी है, टू टू ऐप। इसमें आपको मोड गेम भी मिल जाएंगे और नॉर्मल गेम भी मिल जाएंगे। तो जैसे कि ये दिखा रहा है अभी अपडेट, मगर मैंने इसे अपडेट नहीं किया है। तो आप इसमें भी गेम आराम से डाउनलोड करके, मतलब कोई भी गेम सर्च कर लो या कोई भी वो कर लो, जैसे कि कुछ भी सर्च कर लो तो आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे कि आप व्हाट्सअप, जैसे व्हाट्सअप या कोई भी बड़े गेम आप सर्च करके देख लो, आपको ये मिल जाएगा। जैसे व्हाट्सअप देखो, आपको मोड मोड भी मिल जाएंगे इसमें, और मतलब अलग अलग प्रकार के जो थे जितने प्रकार के व्हाट्सअप भी वो भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस के टेक्निकल खड़का जी। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मैं आपको अच्छी अच्छी नॉलेज के बारे में बताता रहूँगा।